हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़ॉन साड़ी रिव्यू। तो जो साड़ी की मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है ये वाली साड़ी, जो कि आप सब ने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में ज़रूर देखा होगा। तो आज मैं यही साड़ी की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, प्लस मैं दिखाने वाली हूँ कि मेरे ऊपर ये वाली साड़ी कैसे लग रही है, इसका ब्लाउज़ मैंने कैसे स्टिच करवाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये है वो साड़ी, कुछ इस तरह का इसका बॉर्डर है, आप देख सकते हो गोल्डन कलर में इसका बॉर्डर है। और साड़ी जो है पूरी पिंक कलर में है और ब्लू कलर में, छोटे छोटे इसमें ऐसे ये थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है। वैसे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रॉयल और एथनिक लुक देती है और काफ़ी अच्छी लग रही है ये पूरी साड़ी। पूरी साड़ी आपको बस ऐसे ही मिलेगी, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और इस तरह की जो है ये अंदर की तरफ है, आप देख सकते हो थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये प्रिंटेड नहीं है, प्रिंटेड साड़ी में क्या होता है ना, जैसे आप इसे वॉश करोगे ना पानी के साथ, तो पूरा प्रिंट निकल जाता है और साड़ी बिल्कुल बेकार हो जाती है। बट ये थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है तो आप इसे जैसे मन वैसे वॉश कर सकते हो, तो ये नहीं निकलेगी। ये है साड़ी की स्टार्टिंग, जहाँ से हम साड़ी को टक करना स्टार्ट करते हैं। और ऊपर की तरफ कुछ आपको इस तरह के बॉर्डर मिल जाते हैं, आप क्लोज भी देख सकते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया हुआ है, पूरी साड़ी जो है वो थ्रेड वर्क की है, गोल्डन कलर का काम किया हुआ है। और ये है साड़ी का जो पूरी जो साड़ी आपको ऐसे मिलेगी, कुछ इस तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। और ये है साड़ी का नीचे का बॉर्डर, तो पूरी जो साड़ी है मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी साड़ी आपको ऐसे ही मिलेगी कुछ इस तरह का। साड़ी काफ़ी लंबी है, आपको छोटी नहीं पड़ेगी। बाकी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है साड़ी की वो आप देख सकते हो। पल्लू की बात करूँ तो ये है ब्यूटीफुल सा पल्लू, आप देख सकते हो ब्लू कलर में इसका पल्लू है और आंसर में ब्लू कलर का बॉर्डर लगा हुआ है पूरी साड़ी में। जैसे आपने देखा कि कुछ इस तरह का गोल्डन और पिंक का काम है बॉर्डर में, और यहाँ पे ब्लू और गोल्डन का काम है, और कुछ इस तरह का आंसर में डिज़ाइन किया हुआ है। ये ब्लू कलर में है, थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ तक लास्ट में आपको कुछ यहाँ पे टेसल्स मिल जाएंगे पिंक कलर के, जो कि अपने आप ही मतलब निकल जाते हैं। मुझे टेसल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये निकल जाए इससे भी बेहतर है। और आप चाहो तो इसे दोबारा भी लगा सकते हो, बट ये निकल जाते हैं टेसल्स इसके, कुछ इस तरह का है। और इसकी जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, आप इजीली मतलब अगर आप मेरी तरह हो, आपको बहुत अच्छी तरह से साड़ी पहनना नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको बिना किसी हेल्प की आप साड़ी पहन सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इसकी मटेरियल, और इसकी जो प्लीट्स बनती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। मतलब आप इसे अगर पिन से टक ना भी करो ना तो भी आपकी मतलब प्लीट्स सिक्योर रहती हैं, और काफ़ी अच्छी इसकी मटेरियल है। बट आपको थोड़ा ब्राइट कलर लग रहा होगा कैमरा में, बट ये उतनी भी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, थोड़े से मैट मतलब लगते हैं साड़ी, बट पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है इसमें, कुछ इस तरह की है। अब बात करते हैं ब्लाउज़ की, तो ब्लाउज़ के लिए आपको मिल जाता है ब्लू कलर का कपड़ा, उसके साथ आपको बॉर्डर मिल जाते हैं। और ब्लाउज़ की जो साइज़ है मतलब जो मीटर है वो है 0.80 मीटर का, तो आपको कम नहीं पड़ना चाहिए। और मेरी जो ब्लाउज़ है साड़ी की वो मैंने कुछ इस तरह का बनवाया है, यहाँ पर मैंने बोट नेक बनवाया है, क्योंकि बोट नेक में क्या होता है ना कि आगे से बिल्कुल सिक्योर होता है, तो आप झुक रहे हो उठ रहे हो बैठ रहे हो तो कोई मतलब कहीं से भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोट नेक बनवाया है। इसकी स्लीव्स मैंने इतनी रखी है, क्योंकि इस तरह की साड़ी के साथ में बनारसी साड़ी हो गया, सिल्क साड़ी हो गया, इसके साथ आपको अगर इस तरह का इतना सा स्लीव्स बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर स्लीवलेस। तो इतने तक मैंने बनवाया है, यहाँ पर नीचे मैंने ये बॉर्डर दिलवा दिया है, आगे कुछ इस तरह का है। मैंने इसमें गोल्डन कलर की पाइपिंग रखी है, आप चाहो तो पिंक भी रख सकते हो, ब्लू भी रख सकते हो, कुछ इस तरह के इसके स्लीव्स हैं। और पीछे मैंने बनवाए हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ओवल बोल सकता है, कुछ इस तरह का ये है। ये नॉन पैडेड ब्लाउज है, मैंने इसमें पैड नहीं दिलवाए हैं। और पीछे मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर बच रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसे यहाँ पर दिलवा दिए हैं। और इसमें भी मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का पाइपिंग दिलवाया है,
और ये यहाँ से भी ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैंने हुक दिलवाए हैं, तो जिस तरह से भी आप पहन सकते हो, बट मैंने यहाँ पे साइड जिप भी दिलवाई है ताकि पहनने में और आसानी हो। तो आप चाहो तो जिप दिलवा सकते हो, और जिप के नीचे मैंने यहाँ पे एक हुक दिलवाया है ताकि मतलब थोड़ा और सिक्योर रहे। पहले आप हुक बंद करो, उसके बाद आप जिप बंद करो। ओके, तो इस तरह का मैंने इसका ब्लाउज़ बनवाया है। ब्लाउज़ की फैब्रिक जो है वो बिल्कुल मतलब साड़ी की फैब्रिक जैसी ही है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा खासा आपको 0.80 मीटर मिल जाते हैं, तो कम नहीं पड़ेगा, आप जैसे मन वैसे बना सकते हो। फैब्रिक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है, पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मैंने पहना था अपनी बहन की शादी में, तो इसे मैंने डे टाइम में पहना था। आपसे अगर डे टाइम में पहनते हो ना तो ये काफ़ी अच्छी लगेगी, नाइट में रात में शायद उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि इसका कलर काफ़ी मतलब ब्राइट सा कलर है, तो डे टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भी छोटा मोटा फंक्शन या फिर शादी में भी आप इसे पहन सकते हो। इसके साथ मैंने बोटनेक बनवाया है, तो बोटनेक के साथ आप अगर गले में कुछ ना भी पहनो तो भी चल जाता है। तो मैंने इसके साथ सिंपली एक चेन पहना हुआ था गोल्डन कलर का, और मैंने गोल्डन कलर का इयररिंग, ऑक्सीडाइज इयररिंग पहना था। आप चाहो तो थोड़े बड़े भी पहन सकते हो और स्टड इयररिंग भी पहन सकते हो। प्राइस की बात करें तो मैंने इस साड़ी को अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में हमेशा ही मैंने देखा है कि अमेज़ॉन के कंपेयर में थोड़ा सा प्राइस हाई रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं बट 200-300 रुपये हाई ही रहते हैं, और अमेज़ॉन पे 200-300 रुपये कम रहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप अमेज़ॉन से ही लो, बट अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैंने अमेज़ॉन से लिया था, तो मैंने इसके लिए पे किया था 949 रुपीज़, बट अगर आप अभी से परचेज करते हो तो शायद ये यू नो 1000 रुपीज़ के अबव ही होगा, तो थोड़े से अभी प्राइस हाई है, बट आप चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे। तो यार मैंने इसे परचेज़ किया था 949 रुपीज़ में, मेरे लिए काफ़ी अच्छी डील रही थी, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी की साड़ी मतलब और क्या चाहिए। और इस साड़ी के लिए मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं सबको, मतलब मेरे घर में जितने भी मतलब मेरे फैमिली मेम्बर हैं सबको ये वाली साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, और कोई यकीन नहीं करता कि इस साड़ी की प्राइस इतनी कम भी हो सकती है। पर्सनली मेरी ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और अगर आप इसे लोगे तो बिल्कुल आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसे मैंने अभी तक वॉश नहीं किया है, बट मैं होप कर रही हूँ कि वॉश करने के बाद भी कोई इसमें नो इफेक्ट ना आए, क्योंकि थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो वॉश तो मैंने अभी इसे नहीं किया है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो यार बस यही थी मेरी आज की रिव्यू, और इसे पहनने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ, बस एक ही फ़ोटो है मेरे पास, वो मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप देख सकते हो ये शादी के दिन का ही फ़ोटो है। तो कुछ इस तरह का लग रहा था मेरे ऊपर ये साड़ी, मतलब तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इसके साथ ये ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप डेफिनेटली इसे परचेज़ कर सकते हो, लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अभी शायद इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगर आप इसके लिए 1000 रुपीज़ भी या फिर 1200 भी पे कर रहे हो ना तो भी वर्थ इट ही है। आप चाहो तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो, प्राइस जब डाउन हो तब ले सकते हो, बट अगर आप यू नो 1200 या फिर 1300 रुपीज़ भी पे कर रहे हो तो भी कोई यू नो आपको नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कभी कभार थोड़े से कम प्राइस में मिल जाते हैं, बट कभी कभार प्राइस थोड़ा हाई हो जाता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, आपको जब सूटेबल हो तब आप खरीद लो। तो यह बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट में जल्दी ही एक फ्लिपकार्ट साड़ी का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, नेट की साड़ी मैंने लिया है, मैंने एक हॉल में भी आपके साथ शेयर किया है, आप चाहो तो वो वाला वीडियो देख सकते हो, तो उसका मैं जल्दी ही आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने अमेज़ॉन से ब्लाउज़ ऑर्डर किया है, तो उसका ब्लाउज़ का भी अलग से रिव्यू आएगा, तो बस उसको अगर आपको देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को हिट करना होगा, ताकि आप मेरे फ्यूचर के वीडियो से नोटिफाई रहें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ सब मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय।